हेलो, मैं हूँ तौसीफ और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल के ऊपर वाईफाई का पासवर्ड कैसे फाइंड करते हैं, कैसे देखते हैं। एक्चुअली इस बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि कंप्यूटर के ऊपर वाईफाई का पासवर्ड कैसे देखते हैं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के बाद मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अगर यही चीज़ हमें मोबाइल पे करना हो तो हम कैसे करेंगे, अगर हमें मोबाइल पर वाईफाई का पासवर्ड देखना हो तो कैसे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपका मोबाइल रूटेड होनी चाहिए। अगर आपका मोबाइल रूटेड है तो पहले एक फाइल एक्सप्लोरर डाउनलोड कीजिए। तो मैं अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करूँगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फाइल एक्सप्लोरर, ES फाइल एक्सप्लोरर। एक्चुअली ये बहुत पॉपुलर है एंड ये देखिए कि इसे 100 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। तो मैं यहाँ पे इसे सिंपली इंस्टॉल करूँगा, एक्सेप्ट एंड ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। ओके, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। ES फाइल एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर, मैं इसे सिंपली यहाँ से ओपन करूँगा। ये फाइल एक्सप्लोरर हमारा यहाँ पे ओपन हो गया एंड ओके कर देते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अभी SD कार्ड सिलेक्टेड है, हमें यहाँ पे डिवाइस सिलेक्ट करना है। तो डिवाइस, ओके डिवाइस सिलेक्ट हो गया। अब हमें मेन्यू में जाके पहले हम देखते हैं कि रूट वहाँ पे ऑन है या नहीं। मेन्यू में और नीचे आइए एंड यहाँ पे देखिए अभी रूट ऑन नहीं है, रूट एक्सप्लोरर, तो हमें इसे पहले यहाँ पे ऑन करना है। रूट ऑन करने के बाद हमें जाना है डेटा, डाटा में जाने के बाद हमें मिस्क देखना है। एक्चुअली यही शायद इसका प्रोनाउंसिएशन है, MISC, और इसके अंदर हमें जाना है वाईफाई में। वाईफाई में जाने के बाद यहाँ पे WPA सप्लिकेंट डॉट कॉन्फिग, आई थिंक कॉन्फ पता नहीं क्या, तो हमें इस पर क्लिक करना है। इसे सिंपली ओपन करना है ES नोट एडिटर, आप किसी में भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ES नोट एडिटर में ही ओपन करूँगा और यहाँ पे सबसे नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए खालिद नेटवर्क नेम जो है नेटवर्क में SSID खालिद, PSK तौसीफ, ASD मैं जो अभी कनेक्टेड हूँ खालिद से ही कनेक्टेड हूँ। तो आप देख सकते हैं आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली फाइल एक्सप्लोरर डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे देखना है कि रूट ऑन है या नहीं। रूट अगर ऑन है तो आपको जाना है डिवाइस में, डिवाइस में जाने के बाद डेटा एंड इसके अंदर MISC मिस्क, पता नहीं शायद यही प्रोनाउंसिएशन है, इसके अंदर आपको फिर वाईफाई में जाना है एंड वाईफाई में जाने के बाद WPA सप्लिकेंट डॉट CONF एंड इस पर क्लिक कीजिए, इसे ओपन कीजिए ES नोड एडिटर के ज़रिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेटवर्क में, क्योंकि मैं अभी एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ यहाँ पे, मेरा जो एक ही नेटवर्क है जिसका पासवर्ड सेव है, तो इसलिए यहाँ पे खालिद और यहाँ पे तौसीफ AS। अगर आप मल्टीपल वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं और सभी का पासवर्ड सेव है तो वो लिस्ट जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो इस तरीके से आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फाइनली यू नो थैंक यू फॉर वॉचिंग।